हेलो 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 पब्लिक, वेलकम टू माय चैनल। ये ब्लॉग होने वाला है प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग। अपन जा रहे हैं, अपन क्या, मैं जा रहा हूँ सोलो राइड रहेगा। मैं जा रहा हूँ नेत्रहाट, यहाँ से तकरीबन 160-170 किलोमीटर दूर है तुमकुरी टू नेत्रहाट। वहाँ का प्लान है आज उधर भी रुकना है, नाइट होटल में नहीं कैंपिंग करना है। सोलो राइड, सोलो कैंपिंग, देखते हैं सोलो हाउ मच फन। मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ वो देखो। ये रहेगा अपना टॉप बॉक्स, इसमें कुछ कुछ सामान है, कल वापस आ रहे हैं करके। हेलमेट ऑफ कोर्स, ये तो होना ही है। और नीचे टैंक बैग है, वो भी इम्पोर्टेंट है, पूरे जो भी मटेरियल रहते उसी में रहते हैं। ग्लव्स, माउंट, ये तो है ही, ये बांधने के लिए। ये हो जाएगा अपना स्लीपिंग बैग और ये है टेंट। तो इतने सारी चीज़ लेके जा रहे हैं अपन आज रात को नेत्रहाट में कैंप करने के लिए। तो अभी मिलता हूँ, अभी तो ऐसा हूँ, 2 मिनट में मिलता हूँ गेटअप के साथ। तो ये देखो गाइस, ये है अपना गाड़ी पूरा फुल्ली लोडेड है, नहीं अपना एक दिन का पूरा सामान इसमें है। ये अपना टॉप बॉक्स हो जाएगा, इसमें अपने कपड़े वपड़े हैं, कल अगर चेंज करने का मन रहा तो। राइट में अपना स्लीपिंग बैग, अंदर सोने के लिए कोजी, और लेफ्ट में अपना टेंट तंबू जो अपना सेट होगा वहाँ जाके, और सेंटर में अपना कैप्टन वी आर के ब्लॉग, जैसे कि आप सबको पता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये है अपना टैंक बैग, इसमें अपना इलेक्ट्रॉनिक रहता है बेसिकली। स्पीडोमीटर ठीक ठाक है, 3 डंडी फ्यूल है, अभी जाके और फ्यूल इन करते हैं। और अपने को ये चाहिए बांधने वाला, तो जा रहा हूँ मैं अपने एक फ्रेंड के पास, उसके पास मेरा रखा हुआ है, वो लेके फिर डायरेक्ट निकलते हैं। तो इसी तरीके से स्टार्ट किया जाए अपना व्लॉग। तो पब्लिक, पहुंच गए अपन रास्ते में, जस्ट कुनकुरी छोड़े हैं और यहाँ से अपन डायरेक्ट निकलेंगे गुमला। गुमला होगा वही कितना, 60-70 किलोमीटर कुनकुरी टू गुमला, फिर गुमला से नेत्रहाट से कटना है। और अपना प्लान को ब्रीफ कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। अभी निकल रहे गुमला, गुमला से नेत्रहाट, नेत्रहाट में लोकेशन देखेंगे सनसेट पॉइंट, तंबू लगाना वही, सनसेट और सनराइज पॉइंट देखेंगे सही सा। नेत्रहाट का जो भी अच्छा अच्छा टूरिज्म एरिया है वो हो जाएगा कवर। और कल मॉर्निंग सनराइज के बाद अपन निकल जाएंगे लोध वाटरफॉल, और उसके बाद बैक टू पवेलियन। फिलहाल के लिए अपन पहुंच गए मोमा टोली, यहाँ से फ्यूल इन कर लेता, क्या आगे कहाँ रुकते रहो, एक बार पेट्रोल वेट्रोल का लोचा हो जाए ख़त्म, उसके बाद बस निकलना ही होगा। निकलना मतलब डायरेक्ट बस पहुँचो। हो गया फ्यूल अप पूरा गले तक, होपफुली इतना फ्यूल में आ जाऊं, चले जाऊं, देखते हैं इस बार तो देखूंगा कि कैसा रुक जाऊं। ट्रिप सेट कर लेता हूं, ट्रिप 1, ट्रिप 2, 5800 किलोमीटर, ठीक है 5800 किलोमीटर से निकल रहा हूं और वापस यहां आते मैं देखूंगा कितना किलोमीटर मैं चल चुका हूं। तो बिना कुछ लेट करते हुए अपन निकलते ही हैं, ठीक है। ओ भाई चलो मिलता हूँ मैं रास्ते में, जहाँ जहाँ अच्छा व्यू रहेगा, अच्छा लोकेशन रहेगा वहाँ कैमरा ऑन करूँगा, क्या बैटरी का भी लोचा है, और जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। लोचा हो गया है मेरे को ना, हैंडल कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो मैं हैंडल ना थोड़ा सा ऊपर कराऊँगा अभी। अगर ये अपन पहुँच गए जशपुर, हाँ अरे कैसे पता भाई, हाँ
पहचान रहे हो? अरे हाँ यार, मैं कैसे नहीं पहचान, कहाँ मिले थे अपन? रितेश को जानते हो? रितेश कुजूर? हाँ। तो कहाँ चल रहे हो? रांची? कहाँ जा रहे हो? हम नेतरहाट निकल रहे हैं। नेतरहाट? नहीं पहचाने मेरे को। अपन कहाँ मिले थे? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है यार एकदम। हाँ अच्छा हाँ, नहीं तो लो ना, अपन निकलते ही हैं। कैसे? ठीक है चलो, सेफ जर्नी रहेगा बाबा। ओ भाई क्रेजी ब्रो, क्रेजी। तो यस पब्लिक, हो गया अपना लंच खत्म। टाइम भी हो गया 2:12, मतलब 2 बजे। ये है नेतरहाट 81 किलोमीटर। खा पी के तो हो गए हैं अपन टन टना टन, अब बस भगना है। अब क्या 80 किलोमीटर कितना? 1.5 घंटा। 2:03, 3:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा वहां। 3:30 बजे पहुंच जाऊंगा, फिर वहीं कहीं सही अच्छा जगह में चाय वाय पीऊंगा, फिर देखते हैं क्या है। आज एक आध दो लोकेशन मार लेता हूं, फिर कल जो ही बचा कुचा को निपटाते हैं, क्योंकि कल वाटरफॉल भी जाना है जो कि नेतरहाट से और 60 किलोमीटर दूर है, जिसका नाम है लोध वाटरफॉल। तो ठीक है, इधर बेसिकली 3 एकदम वो है बूम बाम जगह, सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, क्योंकि ये अच्छे हाइट में है तो ये सब चीज़ अच्छा दिखता है, और तीसरा वाटरफॉल लोध वाटरफॉल, जो कि झारखंड का बोलते हैं कि सबसे हाईएस्ट, मतलब क्या समझ रहे हो, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो देखा जाए कितना ऊपर से गिरता है। और क्या, बाकी सब ठीक है, बैटरी बचाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अपने पास है 2 ही बैटरी, मतलब एक लगा हुआ है और बैकअप में एक है, और इसका बैटरी बैकअप भी उतना सही नहीं है। देखते हैं, धीरे से अरेंज करते हैं, हालांकि ये सब तो कट रहा है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं, मिलते नहीं चलते हैं, दौड़ाते हैं थोड़ा नेतरहाट के लिए। 80 किलोमीटर है, देखते हैं 2 बजे निकल रहे हैं यहाँ से, कितने बजे तक पहुंचते हैं। अगर अच्छा अच्छा व्यू रहेगा, अच्छे अच्छे लोकेशन रहेगा तो दिखाता हूँ मैं, थोड़ा समझ रहे हो, तो थोड़ा करके, थोड़ा चालू करके टीपी व्यू दिखाता। ठीक है, तो ये है पब्लिक, नेतरहाट पहुंच गए अपन। सनसेट पॉइंट चलते हैं, सनसेट का तो काफ़ी टाइम है,
देखते हैं सनसेट पॉइंट जाके। सुनना भाई इधर से ही हो, सनराइज पॉइंट किधर है? इधर, और सनसेट पॉइंट इधर है। और क्या क्या है यहाँ पे? सनराइज इधर हो जाएगा, सनसेट इधर हो जाएगा। सही ला हॉस्टल राइट स्कूल नेत्रहाट डैम, डैम भी कैसा है? अच्छा तो पब्लिक सबसे पहले अपन चाहते हैं सनराइज पॉइंट देखने, क्योंकि अपने वो कैंपिंग सनराइज पॉइंट में करने हैं। भैया इधर सनसेट पॉइंट है और इस तरफ सनराइज पॉइंट है, कितना दूर है? अच्छा है सनराइज पॉइंट और सनराइज पॉइंट पास। तो पब्लिक वेलकम टू नेत्रहाट और लेट्स गो टू सनसेट पॉइंट। क्या अभी टाइम हो गया है? 4 बजने वाला है, 5-6, 2 घंटा है। इतना रश नहीं करना है अपने को, आराम से करते हैं, होले होले करेंगे। अपने पर्याप्त टाइम है अगर पूरे टाइम को यूटिलाइज करते हैं तो। अभी पहुंचा हूं 12-1-2 बजे निकले थे घर से 1-2 बजे और 3-4 बजे के लिए नेत्रहाट। सही है, इधर का आइट साइड का वाइट और पिंक भी थोड़ा अलग वाइब दे रहा है, पता नहीं क्या है ये। तो चलो देखा जाए पहले सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट को नाप लेते हैं, उसके बाद अगर सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा लगा तो वहीं पे तंबू गाड़ लेंगे, फिर कल सुबह आके होटल लेंगे, ऐसा करेंगे अपन। क्या है भाई ये पेड़ वेड़ ना, मतलब खतरनाक। अब घर के आसपास है जैसे लग भी नहीं रहा है इधर, और थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी लग रहा है, फील हो रहा है इधर। सनसेट पॉइंट 0 किलोमीटर है, किधर सनसेट पॉइंट? ये सनसेट पॉइंट है, तो कैंपिंग अपन सनराइज पॉइंट में करेंगे। बाइक और एक एक्सक्लूसिव, सही है भाई। वेलकम बैक, पहुंच गए अपन सनसेट पॉइंट में। इधर का भी कुछ ऐसा है, सनसेट अभी देखना बचा है, उसके पहले तो भाई अपना बूम बाम तो देखो क्या लग रहा है। ओ भाई बाजू में भी न्यू अपाचे। तो देखा जाए भाई, क्राउड तो है खतरनाक, यही है, इससे ज़्यादा क्या है सनसेट में। हो गया सनसेट ख़त्म, है थोड़ा देखते हैं, तब तक साइड सीन करके आ जाए क्या है। लेकिन अपना सामान है यार, लेकिन बच्चे कच्चे हैं, पता नहीं क्या है, चलो कोई छू छाना दे। ये यहाँ का स्पेशल अचार यही बनाया हुआ है ना, होममेड फ्लेवर। नेत्रहाट आइए, अचार खाइए। गाइस मूर्ति का भी एक कहानी है, सनसेट पॉइंट इन्हीं के नाम पे बनाया गया है, पता है? अगर मानो नहीं मानो,
वो रानी है और वो एक ऐसे गांव का बांसुरी बजाने वाला लड़का था। इन दोनों के बीच में मामला हो जाता है, आगे कहानी सुनाता हूँ। देखो पोर्ट्रे किया गया ही है, इन दोनों के बीच में मामला हो जाता है। तो ब्रिटिशर थी तो माने नहीं घर वाले, ब्रिटिश बोले कहाँ इंडियन ऊपर से ये वो शादी वादी नहीं कराएंगे। तो मेरे ख्याल से ना ब्रिटिशर वो लड़का को मार देते हैं और वो रानी यहीं से आगे कूद जाती है शायद, जहाँ तक मेरे को पता है ऐसी ही कुछ कहानी है। सही बता रहा मैं, सुना हुआ है, मनगढ़ंत नहीं है कैसा। मेरा स्टोरी को बैकअप देने के लिए प्रूफ लेके आता हूँ। पढ़ लिए, ऑलमोस्ट सही था। थोड़ा मोड़ा चलता है ऊपर नीचे क्या भाई, मैं तो गलत था, कितने लोग आएंगे क्या सीन है बोल के, उधर तो क्रेजी भीड़ है। ऊपर सब सनसेट का मजा लेते हुए हाँ कैप्टन वीआरके व्लॉग्स न्यू सब्सक्राइबर मिल रहे हैं भाई लोग। तुम इधर से ही नेत्रहाट से ही हो? अच्छा बैटरी बस। भाई लोग भी लोहरदगा से आए हैं, कितना कब आए आज? हाँ आज ही आए हैं। बैटरी चेंज करना। अब ये तो हो गया भाई सनसेट खत्म, ठीक था, मजा आया और क्या। अब क्या किया जाए, गाड़ी दौड़ाया जाए। तो गाइस यहाँ है अपना स्टे आज के लिए, कैंप करने का था बट ज़्यादा लेट हो गया, लोकेशन नहीं मिल पाया सही सा और थक भी गया हूँ, तो यहीं प्रॉपर सही जगह रहेगा आज का डे एंड करने के लिए। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे कल, टिल देन बाय बाय रहेगा, पीस आउट।